रखिए किसी का नहीं ना। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो पास हुआ है, देखिए उसके खिलाफ पूरे देश में विरोध ही नहीं है, पूरा विद्रोह है। पूरे देश में जो विद्रोह है, जो भारतीय जनता पार्टी के सरकारों ने जो अधिनियम पास कराया है बहुमत के बल पर, वो देश के हित में नहीं है। देश में जो देश की एकता थी, उस एकता को विघटित करने का जो काम किया जा रहा है, तो पूरे देश में विद्रोह है। तो इसके खिलाफ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग आज अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के लोग आज यहाँ पर उपवास कर रहे हैं और अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो ये जो अधिनियम बना है, इसे वापस करना चाहिए। सर, आपने एक प्लान बनाया था कि आप जीपीओ तक जाएंगे, लेकिन पीएससी पुलिस बहुत ज्यादा लगी हुई है आपके कार्यालय से लेकर जीपीओ तक, कैसे जाएंगे आप? देखिए, हम अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं। अगर हमारी कोशिश है, हम आगे निकलेंगे और जहीं पर भी पुलिस रोकेगी तो वहीं पर हम धरने पर बैठ करके उपवास करेंगे। और ऐसा जो अधिनियम बना है, इसका हम विरोध करते हैं। पूरी हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इसका विरोध प्रकट करती है और हम चाहते हैं देश में शांति रहे, अमन रहे और सद्भाव रहे। तो इस सद्भाव को जो बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुमत के बल पर जो किया है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। सर, विपक्षी दलों के कुछ नेताओं ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है पूरे देश के हालात को लेकर के, क्या आप भी ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं कि कुछ लोगों को इकट्ठा करके जाएं वहाँ पे? देखिए, हम अभी तो यहीं पर, आज हमारा यहाँ पर धरना है, उपवास है और आगे भी हम अपनी रणनीति बना करके दिल्ली में भी राष्ट्रपति के सामने भी इस बात को रखेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने
हमारी जो एकता अखंडता को बेहतर करने का जो काम किया है, हम इसका हम चाहते हैं पूरा देश में सद्भाव रहे, शांति रहे और सब लोग मिलकर के एक जो भाईचारा हमारा जो भाईचारा है, सभी धर्मों के लोग जो चाहे हिंदू हों मुसलमान हों, सभी धर्मों के लोग जो एक थे उसको तोड़ने का काम किया सर। इस बीच कानून व्यवस्था बहुत तार-तार हुई है, नदवा एएमयू अलीगढ़ जामिया हर जगह के स्टूडेंट्स को मारा गया है, स्टूडेंट्स पे सबसे ज्यादा अत्याचार किया गया, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में? देखिए देश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, रोज रोज देखिए रेप जैसी घटनाएं हो रही है और पूरे देश में जो छात्रों ने जो विरोध किया था ऐसा कानून का जो विरोध किया है तो छात्रों के साथ सभी यूनिवर्सिटी में दिल्ली में भी और दिल्ली के साथ साथ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जामिया यूनिवर्सिटी में और पूरे देश की यूनिवर्सिटी में जो हमारे छात्र नौजवानों ने इस अधिनियम का जो विरोध किया है तो उनको दबाने का काम कर रही है ये सरकार तो अभी हम इसके बारे में ऐसा विरोध प्रकट कर रहे हैं। विरोध नहीं है, पूरे देश में विद्रोह है इस अधिनियम के खिलाफ और इस जनता की आवाज को ये सरकार दबा नहीं सकती।